आपने हालत देखो यार, जगह की क्या कर दी इन लोगों ने। फिर ये लाइन वाले लोग हैं और जो आए गए हैं, ये लाइन है नॉर्थ फेस की, बट इसका प्राइस है 1995। हाय गाइस, मैं प्रदीप, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज है थैंक्सगिविंग का दिन के बाद वाला दिन। मैं बोलने वाला था थैंक्सगिविंग का दिन, और आज है ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे कैसा होता है कि पूरे अमेरिका में मोस्टली छुट्टी होती है, छुट्टी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा काम होता है। मैं सब कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ आज। तो आज का दिन ऐसा रहता है कि काम रहता है बहुत ज़्यादा लोगों को, क्योंकि आज का दिन है बहुत ज़्यादा शॉपिंग में और बाकी दूसरी जगहों पे सेल रहती है। तो उसी का फ़ायदा उठाने के लिए मैं भी यहाँ पर पहुँच गया हूँ, वुडबरी फैक्ट्री आउटलेट से 1 मील दूर मैंने गाड़ी पार्क की है, क्योंकि पार्किंग की यहाँ पर जगह ही नहीं थी भाई, पार्किंग का ना जगह ही नहीं था। और ऐसा है कि मैंने गाड़ी दूर पार्क की है और वहाँ से मैं चल के जा रहा हूँ। ये लंबी लंबी लाइन है। एक टाइम तो मैंने सोचा कि यार छोड़ जाने रोहन, क्या करना है यार। पहले मैंने सोचा कि छोड़ यार रोहन, क्या करना है, बट फिर मैंने सोचा यहाँ तक आया हूँ तो थोड़ा सा देख लेता हूँ और आप लोग को भी दिखा देता हूँ, और फिर यहाँ से अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लूँगा और फिर घर चला जाऊँगा। चलो भाई, यहाँ पर पार्किंग, यहाँ पर एटलीस्ट क्रॉसिंग कराने के लिए पुलिस वाले खड़े हैं। थैंक यू। बाप रे, लोगों को देखो यार, ऐसा लग रहा है कि ये देखो सब लोग चल के आ रहे हैं, इनकी भी गाड़ियाँ दूर पार्क है। देखो भाई साहब ने बैग ले लिया। गुड एक्सपीरियंस यार दिस इज। पहले मैं सोचा कि यार घर चला जाता हूँ, बट अच्छा किया रुक गया। वो एग्जिट बंद किया, उसकी वजह से ना मैं पूरा यू टर्न लेकर आना पड़ा और 40 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे मुझे इनके पीछे पीछे भागता। ऑलमोस्ट पहुंच गए यहाँ पर। कूद रहे ये लोग सब कूद रहे। इनका सामान रह गया। फाइनली देखो भाई, मुझे याद नहीं है कि मैं यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे की सेल के दौरान कभी आया हूँ कि नहीं आया हूँ, बट जो अंदर आने का मेरा एक्सपीरियंस है ना यार, ये याहू मैं एकदम, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं हुआ है। पहले भी यहाँ पर बहुत बार आया हूँ मैं, बट मुझे लग रहा है कि यार शॉपिंग करूँगा नहीं, सिर्फ देखूँगा, क्योंकि लाइन आते ही मुझे दिख गया यहाँ पर। ये देखो न्यू बैलेंस ये स्टोर है, यहाँ पर इसके बाहर ही कितनी लाइन लगी हुई है देख लो। मतलब कोई बंदा अगर अंदर गया, उसको कुछ पसंद आया, पहले तो अंदर जाने के लिए लाइन पर खड़ा रहना पड़ेगा 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है जिस तरह से लाइन दिख रही है देखो। उसके बाद अंदर जाके शॉपिंग करो, अगर शॉपिंग में कुछ मिला तो ठीक है। उसके बाद जो शॉपिंग करने के बाद जो पैसे देने की लाइन आती है ना, उसमें भी कम से कम आधा पौना घंटा जाता रहेगा। एक मिनट, आपको मैं इधर अंडर आर्मर का जो स्टोर है यहाँ पर देख लेते हैं क्या चल रहा है। ये लाइन इधर नॉर्मल लाइन है, ये लाइन आई थिंक आधा घंटा चलेगी। या देखो भाई, इसको बोलते हैं शॉपिंग। बढ़िया, क्या कर रहा है, सामान छोड़ के चले गए भाई साहब। यहाँ लाइन लगी हुई है, ये किस कौन सा स्टोर है? फार्म नहीं, ये तो खाने के लिए, डाइन इन और टेक आउट, फेमस इटालियन रेस्टोरेंट। यहाँ देख लो भाई क्या सेल है भाई यहाँ पर, आई डोंट हैव नो आइडिया, माँ कसम। ये ऐसा लग रहा है ना कि आज मैं ना शॉपिंग कर पाऊँगा ना कुछ खा पाऊँगा, सिर्फ यहाँ पर घूम कर वापस चला जाऊँगा, क्योंकि वो जो हिम्मत है ना वो टूट रही है, बट टूटने नहीं दूंगा। यहाँ पर स्टोन आइलैंड भी अच्छा है, जैकेट वगैरह अच्छी मिलती है यहाँ पर। द फेमस बर्बरी ये दूर तक, यहाँ तक, अरे बाप रे, नहीं इधर तक ही है। सो यहाँ से वहाँ मैं फाइनली यहाँ पर माइकल कॉर्स में घुस गया और इसने इधर ही रोक दिया, लास्ट बंदा मैं था। तो यहाँ पर माइकल कॉर्स में कुछ लड़कों का मिलता है क्या? मुझे यहाँ बॉयज के सेक्शन में एक जैकेट पसंद आई, लेकिन ये है ऑलमोस्ट $600, 70% डिस्काउंट के बाद ये हो रही है $245। बट पता नहीं क्यों फिर भी मैं डाउटफुल हूँ। माइकल कॉर्स में 70% ऑफ कपड़ों में,
पर्स के लिए या वॉलेट वॉलेट लेना है तो वो आई थिंक 25% ऑफ है, तो उसमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अभी लोग शॉपिंग करेंगे भर भर के तो खाना भी तो खाएंगे ना। खाने के लिए यहाँ पर देख लो लाइन। सेफ ऑप्शन मैकडॉनल्ड्स है। ये देखो भाई, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो वेजिटेरियन लोग हैं यहाँ पर उनको कितनी प्रॉब्लम होती है वो बताऊंगा। अभी मैंने यहाँ से मैकडॉनल्ड्स लिया और एक हॉट चॉकलेट लिया। बाजू में एक शायद गुजराती फैमिली बैठी थी, थेपला काली दाल और सब खा रहे थे बैठ के आराम से। यार अगर जो नॉनवेज खाते हैं लोग उनको आसानी होती है, पर जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना उनको थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। मेरे साथ वो हो गया कि अभी तो मैं खाना खाने के लिए घुसा था और अभी उजाला था, जैसे ही बाहर निकला तो अंधेरा, 4:30 बज रहे, अंधेरा, मज़ा नहीं आ रहा है। पर अभी मैं मॉन्क्लेयर में आ गया हूँ। निकले दो लोग, अंदर जाएंगे, दो को मैं नहीं जाने दिया, एक को जाने दिया। ये लाइन अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है आधा घंटा चलने वाली। पूरे तो लाइन में खाना चालू कर दिया भाई। अगर किसी को भी ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर अंग्रेज खाना खाते खाते हाथ चाटते हैं, उंगलियाँ चाटते हैं कि नहीं चाटते हैं, तो उंगलियाँ चाटते हैं। अभी मैंने देखा तो उंगली चाटते हुए, उंगली चाट रही थी। चलो भाई निकले पब्लिक, अभी जा सकता हो। चलो भाई फाइनली मॉन्क्लेयर में आ गया मैं, इधर देखते हैं भाई। ये यहाँ पर जो कपड़े बहुत महंगे हैं यार, ये कितने का है? $1,015। देखो भाई मेरा बहुत बड़ा पोपट हो गया, पहले स्टोर पे रुका 20 मिनट, अंदर गया और अंदर सेल नहीं है, सामान भी उतना ज़्यादा मस्त नहीं था। तो अभी यहाँ से दूसरी तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ नेक्स्ट स्टॉप रहेगा मेरा। ठंड बढ़ गई है, मेरा मन कर रहा है कि मैं घर चला जाऊँ, लेकिन अभी यहाँ आया हूँ, व्लॉग भी बना रहा हूँ, कुछ लेके नहीं गया तो मेरी इज्जत डूब जाएगी भाई। ये अरमानी एक्सचेंज स्टोर है, उसकी हालत देखो क्या हो गई है यहाँ पर। लगता नहीं है शॉपिंग करने लायक बचा है, बट सामान बहुत अच्छा है यार अरमानी एक्सचेंज का, जो प्रोडक्ट्स है ना, और 30% ऑफ है यहाँ पर। 39.99 की टी शर्ट्स मिल रही हैं यहाँ, टी शर्ट्स हैं ये 39.99। इनका रेगुलर प्राइस है, रेगुलर प्राइस क्या है इनका, इनका रेगुलर प्राइस है 65। ये लाइन है नॉर्थ फेस की। बहुत घूमने घुमाने के बाद मुझे एक ये जैकेट पसंद आई थी, बट इसका प्राइस है 1,995। आज नहीं बेटा, किसी और दिन। ये लाइन वाले लोग हैं और जो आए गए हैं ये ऐसा है। ये जो बना रहा हूँ मैं वो अंकल के लिए बना रहा हूँ, देखो गंदगी भी दिखा रहा हूँ। बहुत ठंड है, राख देखो, बस हो गया भाई, नहीं जम रहा। एक चीज नहीं ली मैंने, एक चीज होती है वो भी नहीं ली मैंने। एक ग्लव्स देखा था मैंने $1,200 का, तो मैंने उधर ही रख दिया, मेरा नहीं चाहिए। बहुत ठंड है, अच्छा है लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अभी लास्ट मैं नाइकी में जा रहा हूँ, जूते मेरे पास बहुत है पर फिर भी जा रहा हूँ, लेकर रख देता हूँ या गिफ्ट दे दूँगा किसी ना किसी को। तो देखता हूँ नाइकी में अगर कुछ अच्छी डील मिल रही है कि नहीं मिल रही। चलो भाई नाइकी में आ गया हूँ, टूट पड़ता हूँ, सब कुछ लेके चला जाऊँगा। बाप रे रे मात कसम, बहुत बड़ी लाइन है यार। तो नाइकी स्टोर की कुछ ऐसी हालत हो गई, अभी सेल तो अच्छी है यहाँ पर यार। इस स्टोर में 30% है और कुछ कुछ में 50% है। वहाँ पर हालत देखो यार इस जगह की, क्या कर दी इन लोगों ने। फिर यार ये मेरा ना आज तक का सबसे वर्स्ट बोल रहा हूँ, ये ब्लैक फ्राइडे सेल का एक्सपीरियंस रहा है, सच बताता हूँ। अचानक से टेम्परेचर इतना गिर गया और मैं प्रिपेयर नहीं आया था, मैंने शूज स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे और जैकेट मेरी नॉर्मल है, ना ही मैंने स्कार्फ लिया था, ना ही मैंने वो अपनी पूरा सर को कवर करने के लिए कुछ पहना हुआ था। तो यार इट
इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, और मतलब ऐसा मैं सोच रहा था कुछ तो मुझे अच्छा लगे जो मैं लेकर जाऊं, और मुझे जो चाहिए था वो यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था, यहाँ उधर सेल ही नहीं थी, यहाँ वो था ही नहीं। तो फिर फाइनली मैंने सच बता दूँ कुछ नहीं लिया यहाँ से। आज का मेरा दिन ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैं ये व्लॉग ये वीडियो बनाने के लिए आया था, बट जो भी है अभी नहीं लिया तो नहीं लिया, क्या बोलूँ आप लोग को। एंड या ऐसी थी आज की कुछ मेरी ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग की वीडियो। आप लोग नए हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके आना, ऐसी वीडियोस मैं बनाते ही रहता हूँ। एंड दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू एंड प्लीज बी सेफ। मेरी हालत अभी यहाँ समझ में नहीं आ रही है, मतलब आंखें लाल हो गई हैं और टेम्परेचर बहुत गिर गया था, बहुत ज़्यादा अभी भी गिरा हुआ। पूरा गाड़ी में हीटर ऑन करके मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। बाय बाय।